अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज हम ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम है ग्लो वॉर्म्स। ग्लो वॉर्म्स का मतलब होता है चमकने वाले कीड़े। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इसके मैं आपको मतलब बताती हूँ। डर्जन्स का मतलब ग्रुप और सेट ऑफ 12, मतलब डर्जन के अंदर जो होते हैं वो 12 होते हैं। ग्लो वॉर्म्स का मतलब चमकने वाले कीड़े। स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डरना। साइट, साइट का मतलब होता है नज़र। यहाँ पे हम ये शुरू करते हैं। ऑन अ डार्क वेट नाइट, एक अंधेरी और गीली रात। व्हेन देयर वाज नो लाइट, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी। आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट, मैंने एक अजीब नज़ारा देखा। दैट गेव मी अ फ्राइट, जो जिसने मुझे खौफजदा कर दिया। अ ग्लो वॉर्म, चमकने वाले कीड़े। आई सॉ, मैंने चमकने वाले कीड़े देखे। एंड देन डजन्स मोर, और फिर 12 से ज़्यादा, और फिर और भी देखे। जस्ट फ्लू थ्रू द डोर, जो दरवाज़ा था उसके पास से आए। आई डोंट नो व्हाट फॉर, मुझे नहीं पता कि वो क्यों आए। ब्राइटर देन द स्टार्स, जो सितारे हैं उससे ज़्यादा उनकी तेज़ रोशनी है। जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर एंड मार्स, मरीख, मश्तरी और मरीख। जुपिटर को मश्तरी और मार्स को मरीख कहा जाता है। दे शोन लाइक गोल्ड जार्स, और वो सोने के जार जैसे लग रहे थे। और हेड लैम्प्स ऑन कार, और जो गाड़ी के आगे हेडलाइट्स लगी हुई होती हैं उसकी जो रोशनी होती है उसके जैसे लग रहे थे। डांस इन द एयर, वो हवा में नाच रहे थे। एंड रेस अप द स्टेयर्स, और सीढ़ी के ऊपर रेस लगा रहे थे। आई गॉट सच अ स्केयर, मुझे डर लगा। आई फेल ऑफ माई चेयर, और फिर मैं अपनी चेयर से गिर गया। ओके, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद द टीचर एंड देन राइट द आंसर। नंबर फर्स्ट है, व्हाट वॉज द स्ट्रेट साइड द पोइट सॉ, क्या पोइट ने ऐसा अजीब सा नज़ारा देख लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोइट सॉ ग्लो वॉर्म्स, उसने जो है चमकने वाले कीड़े देखे थे। हाउ मैनी ग्लो वॉर्म्स केम थ्रू द डोर, दरवाजे के पास से कितने जो चमकने वाले कीड़े हैं वो आ रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, दर्जन्स ऑफ ग्लो वॉर्म्स केम थ्रू द डोर, दर्जन्स जो चमकने वाले कीड़े थे वो डोर की तरफ से आए। डज द पोम टेल अस व्हाई द वॉर्म्स, व्हाई द ग्लो वॉर्म्स फेल थ्रू द डोर, क्या ये पोम हमें बताती है कि ये जो कीड़े हैं ये क्यों आए थे दरवाजे के पास से। एंड वाई डू यू थिंक दे केम, और आप क्या सोचते हैं कि ये क्यों आए थे। तो सबसे पहले जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, दैट इस पोम में ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट फॉर द ग्लो वॉर्म फ्लू थ्रू द डोर, वाई डू यू थिंक दे केम, आई थिंक बिकॉज द डोर वॉज ओपन एंड दे केम इन टू द हाउस। इसका आंसर बस यही हो जाएगा। नंबर डी है, विच वर्ड्स इन द पोम टेल अस अबाउट द ग्लो वॉर्म्स, कौन कौन से वर्ड हमें ग्लो वॉर्म्स के बारे में बताते हैं। तो इसका पेज नंबर 70 पे आप आएंगे तो इसका लिखा हुआ है। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ब्राइटर देन स्टार्स, जुपिटर एंड मार्स, शोन लाइक गोल्ड जार्स, और हेड लैम्प्स ऑन कार्स। ये ग्लो वॉर्म्स की उसकी एग्जाम्पल दी हुई हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा। जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड द ग्लो वॉर्म डू इन द हाउस, What did the poet do? ग्लो वॉर्म्स जो है हाउस में क्या करते थे, और फिर पोइट ने क्या किया। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 70 पे आ जाएगा। दे डांस इन द एयर, वो हवा में नाच रहे थे। एंड रेस अप द स्टेयर, और जो स्टेयर्स हैं उसके ऊपर रेस लगा रहे थे। और फिर जो पोइट का क्या हुआ, पोइट फेल ऑफ फ्रॉम द चेयर। पोइट जो है कोई पोइट गॉट स्केयर, पोइट डर गया। एंड देन ही फेल फ्रॉम द चेयर, फिर वो जो है कुर्सी से गिर गया। इसके बाद ये एक नीचे एक्सरसाइज रहती है, टॉक अबाउट द पिक्चर, ये जो पिक्चर है हमें इसके बारे में बात करनी है। द एनिमल मार्चिंग इन टू द जू, ये सब जो एनिमल्स हैं वो जू में हैं। आर द एलिफेंट एंड द कैंगरू, द लायन इज देयर, लायन भी है। एंड सो इज द बियर, बियर भी है। एंड द टॉल जिराफ, और जिराफ जो बहुत लंबा है। हिज हेड इन द एयर, उसका जो सर है वो हवा में जा रहा है। फिर यहाँ पर भी आ जाती है, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज नंबर 71, हमें ये एनिमल्स की जो है जूम है उनकी पिक्चर देखनी है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑल द एनिमल्स, सब एनिमल्स के नेम क्या हैं। विच इज़ फर्स्ट, विच इज़ लास्ट, मेक सेंटेंसेस टू आंसर दीज क्वेश्चन, सबसे पहले कौन है, सबसे आखिर में कौन है। ये जो वर्ड्स हैं इसके थ्रू हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले बिहाइंड है, बिहाइंड का आप बनाएंगे, बिहाइंड का बना लेंगे। द एलिफेंट इज़ बिहाइंड द कैंगरू, आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो एलिफेंट है वो कैंगरू के पीछे है। In front of का बनाएंगे। The childrens are in front of the animals, जो बच्चे हैं वो सब जो जू में एनिमल्स जा रहे हैं उनके सामने हैं। Second, इसका आप ये बना लेंगे कि second पे कौन है। तो पिक्चर में आप देखेंगे बेयर है, तो इसका आप लिख देंगे बेयर इज़ ऑन द सेकेंड नंबर आफ्टर
आफ्टर बेयर। और फिर थर्ड है और फोर्थ है, तो थर्ड पे आप पिक्चर में देखेंगे द हॉर्स इज़ ऑन द थर्ड नंबर, जो हॉर्स है वो थर्ड नंबर पे, और फोर्थ पे जो है वो टाइगर है, तो इसका भी एज इट इज़ आई गेस यही हो जाएगा, द टाइगर इज़ ऑन द फोर्थ पोजिशन। इसके बाद यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो, जो वर्ड्स हैं ये इन ब्लैंक्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा द कैमल इज़ एन एनिमल, जो कैमल है वो एक एनिमल है। इसके बाद सेकंड पे आ जाएगा द डैश इज़ बिहाइंड द कैमल, तो पिक्चर में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो कैंगरू है वो कैमल के पीछे है। द चिल्ड्रन आर एट, ये आ जाएगा द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड पर जो है वो बच्चे खड़े हुए हैं। द डैश आर वॉचिंग द एनिमल्स, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द एनिमल्स। द बियर इज डैश द डियर एंड द हॉर्स, द बियर इज बिटवीन द डियर एंड द हॉर्स, इन दोनों के बीच में है। ओके ओके, तो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज आ जाती है, लुक एट दीज थ्री टॉयज, एक ड्रोन है, ग्रेजिंग कार्ड, एक लवली लायन है, विच वन डू यू लाइक, आपको कौन सा पसंद है, वाई डू यू लाइक इट, आपको क्यों पसंद है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट विच वन यू थिंक इज़ द बेस्ट एंड वाई, आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, इनमें से कोई तीन पिक्चर, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करनी है, उस पर कुछ बेस्ट सेंटेंसेस लिखने के आपको क्यों पसंद है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम ड्रोन के ऊपर लिख लेते हैं, आई लाइक ड्रोन, इट्स अ न्यू इन्वेंशन, मुझे ड्रोन पसंद है क्योंकि एक नई चीज़ है। आई लाइक दिस बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक वे, मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक बहुत अलग तरीके का है। वी कैन फिक्स आवर फ़ोन ऑन दिस ड्रोन, हम अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो इस ड्रोन पर फिक्स कर सकते हैं, एंड थ्रू द मोबाइल कैमरा और अदर कैमरा, और मोबाइल में कैमरा ऑन करके या फिर दूसरा कैमरा जो है वो फिक्स करके, वी कैन वॉच सो मैनी थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, विच आर ऑन द अपर साइड, जो ऊपर की साइड पर होती हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक दफ़ा ये पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। आई लाइक ड्रोन, इट इज़ अ न्यू इन्वेंशन, आई लाइक दिस बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक वे, वी कैन फिक्स आवर फोन ऑन दिस ड्रोन एंड थ्रू द मोबाइल कैमरा और अदर कैमरा, वी कैन वॉच सो मैनी थिंग्स विच आर ऑन द अपर साइड। ओके ओके, तो ये जो चैप्टर है ग्लो वॉर्म्स, ये इसकी एक्सरसाइज के साथ यहीं पर ही फिनिश होता है। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करें इफ़ यू वांट मोर वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।